ये जो COVID-19 का पेंडेमिक है, इसमें अब कई स्टेज के अंदर पेशेंट्स खूब सारे आएंगे, और जो पेशेंट्स को सैनिटाइज करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी, हैंड सैनिटाइजेशन होता है, तो पूरे बॉडी के क्लोथ का सैनिटाइजेशन अगर करना है तो हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था की है जिसके अंदर हमने सैनिटाइजर टनल बनाया है। दो व्यक्ति जा सकते हैं अंदर, डिफरेंट पार्टीशंस हैं, उसमें जाके जो सैनिटाइजिंग मटेरियल का फॉग है उसके नीचे 30 तक गिने, 30 सेकंड खड़े रहें तो उनका जो पूरा कपड़ा है और पूरी बॉडी है वो सैनिटाइज हो जाती है। इससे क्रॉस इन्फेक्शन होने का या वो इंसान इन्फेक्शन फैलाएगा उसकी संभावना कम हो जाती है। ये चीज़ हम लोगों ने एक टोटल लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने रात को सारे लोगों और सारी दुकानें खुलवाई, गोडाउन खुलवाए मटेरियल लेके, और लोगों ने रात भर काम किया और ये फैसिलिटी खड़ी हुई है। ये एटलीस्ट जहाँ तक मेरा मानना है ये एक पहला इनिशिएटिव है, एटलीस्ट गुजरात में, मेरे ख्याल से इंडिया में भी पहला इनिशिएटिव होगा जो मास सैनिटाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को सैनिटाइजर टनल द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित हुआ हो। ये जो सैनिटाइजर टनल है ये किडनी इंस्टीट्यूट अहमदाबाद के अंदर है, ये किडनी इंस्टीट्यूट मेडिसिटी के अंदर सिचुएटेड है। ये सारे जितने पेशेंट्स किडनी इंस्टीट्यूट में आते हैं और उनके जो रिलेटिव्स होते हैं इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, ये सब सैनिटाइजर टनल के थ्रू पास होने के बाद ही अंदर इंस्टीट्यूट में आ पाते हैं।